फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ, जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स। हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज मैं आपको टाइलों के बारे में नहीं फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सीपी फिटिंग्स के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए कोशिश करूंगा। मार्केट में जब भी आप नल्स को, टैप्स को, या तो जो भी बाथरूम एक्सेसरी जो सीपी फिटिंग्स आपको मार्केट में मिलेगा, आपको आप अगर आप देखोगे तो अलग अलग साइजेस में, अलग अलग शेप में, अलग अलग मैकेनिज्म में आपको मिलता है, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इस वीडियो में कौन सा टैप को क्या नाम से बोला जाता है, क्या टेंटेटिव प्राइसिंग रहेगा, उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। अभी मैं यहाँ पर आपको बहुत सिंपल वे में प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, के जो भी टैप्स हो गया, जो बाथरूम में या तो किचन एरियाज में या तो ड्राई टेरेसेस एरियाज में, और साथ में जो बाथरूम में जो अलग अलग तरीके का जो नल को यूज़ किया जाता है उसको क्या नाम से बोला जाता है, और क्या टेंटेटिव प्राइसिंग में आपको मिलेगा, बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन टैप है, इसको बिबकॉक बोला जाता है। जो भी नल को हम लोग दीवार के अंदर फिक्स करते हैं वो टैप्स को बिबकॉक बोला जाता है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बिबकॉक में वन वे और टू वे कर आपको बिबकॉक मिलेगा। यहाँ पर देखिए वन वे बिबकॉक है। वन वे मतलब क्या होता है कि जो आउटलेट होता है पानी का आपको सिंगल रहेगा। टू वे बिबकॉक मतलब क्या होता है कि आपको जनरली देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो टैप है अगेन यहाँ पर वॉल के अंदर फिक्स किया हुआ है। टू वे इसके लिए बोला जाता है कि पानी का जो आउटलेट है, आपको दो तरीके में आपको पानी का आउटलेट मिलता है। जनरली इसका जो यूज होता है फ्रेंड्स, आपको जहां पर भी आपका कमोड रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कमोड के साथ टू वे बिबकॉक यूज किया जाता है, क्योंकि ये जेट स्प्रे यूज होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर एज ए नल भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज जब भी हम लोग शवर लेने के लिए भी अगर आपको टैप लगाना है तो आप जो बिबकॉक आएगा उसी में आपको टू वे में जो आपको हैंड शवर आएगा उसको भी आप यूज करके नहाने के पर्पसेस के लिए टू वे बिबकॉक आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, काफी एन नंबर ऑफ साइजेस में, काफी एन नंबर ऑफ फिनिशेस में आपको अलग अलग टैप डिजाइन्स में आपको जो है बिबकॉक जो है मार्केट में मिलेगा। अगेन मैं शॉर्टली बताऊंगा फ्रेंड, जो भी नल जो है दीवार के अंदर हम लोग उसको फिक्स करते हैं वॉल के अंदर, उसको बिबकॉक बोला जाता है। टेंटेटिव प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए अलग अलग डिपेंड अपॉन लोकेशन और कंपनी वाइज आपको जो प्राइसिंग है वेरी होता रहेगा। आपको 550 से लेकर आपको 1000 रुपए के बीच में आपको सिंगल वे का, और आपको 2000 तक भी आपको जो टू वे बिबकॉक है आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको प्राइसिंग आपको मार्केट में मिलेगा। सेकेंड जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो टैप्स जो होता है फ्रेंड्स, उसको पिल्लर कॉक बोला जाता है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया था फ्रेंड्स आपको, यहाँ पर अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भी नल दीवार के अंदर फिक्स हुआ उसको हम लोग बिबकॉक बोला जाता है। यहाँ पर ये जो आप टैप देखोगे तो इसको दीवार के अंदर फिक्स किया नहीं रहता है, यहाँ पर इसको खड़ा लगाते हैं। पिल्लर कॉक बोलने का पर्पज ये होता है कि पिल्लर मतलब आपको हमेशा खड़ा रहेगा, तो आपको यहाँ पर देखोगे तो जो टैप रहता है कि आपको हमेशा उसको खड़ा तरीके से आपको इंस्टॉल किया जाता है। जनरली वॉश बेसिन के एरिया में इसको यूज किया जाता है। आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो आपको अलग अलग डिजाइन में, आपको अलग अलग वरायटी में पिल्लर कॉक जो है आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसमें जनरली कि आपको टू वे कर मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ टू वे जैसा कोई पर्पज होता नहीं, तो आपको सिंगल यूज के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपको पिल्लर कॉक जो है आपको मार्केट में मिलेगा। थर्ड, अगर मैं बाथरूम में जो लगने वाला कॉमनली, मोस्ट कॉमनली अगर टैप्स की अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूंगा तो होता है वो शवर एरिया में आपको लगाने के लिए आपको वॉल मिक्सचर कर आता है। यहाँ पर जो लगा हुआ है इसको डाइवर्टर बोला जाता है। यहाँ पर क्या, अगर आपको कॉम्पैक्ट में लगाना है, आपको ज्यादा स्पेस लेना नहीं है, तो अभी ये जो थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी में आपको आया हुआ मिलेगा आपको यहाँ पर। अगेन आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको वॉल मिक्सचर में क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम लोग ये लगाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा जगह स्पेस को लिया जाता है, तो एक ही सिंगल मैकेनिज्म में जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मूवमेंट आप मूवमेंट करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप राइट में करोगे तो आपको हॉट वाटर, और आपको लेफ्ट में करोगे तो आपको जो है कोल्ड वाटर का आपको मैकेनिज्म एक ही जो है एक्सेसरीज में मिल जाएगा। साथ में हमेशा जब भी आप डाइवर्टर परचेस करने के लिए जाओगे तो इसके अंदर ही आपको शवर को ऑन ऑफ करने का आपको मैकेनिज्म मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो
जब भी हम लोग इसको देखिए यहाँ पर हम लोग ऑन ऑफ कर कर देखेंगे तो आपको जो शवर है, शवर का भी एडजस्टमेंट का जो रहता है आपको इसी में आपको डाइवर्टर में या तो वाल्व मिक्सचर में आपको मिल जाएगा। अगेन मैं डाइवर्टर की अगर मैं बात करूंगा और वाल्व मिक्सचर की बात करूंगा तो आपको 2,500 से लेकर आपको 10-15,000 तक भी आपको डिपेंड अपॉन शेप्स, डिपेंड अपॉन साइज और डिपेंड अपॉन कंपनी आपको अलग अलग ब्रांड में आपको जो है प्राइसिंग में आपको मार्केट में डाइवर्टर और जो वाल्व मिक्सचर है आपको मिल जाएगा। और एक जो आप जब भी मार्केट में जाओगे फ्रेंड्स तो आपको एक एंगल कॉक कर आपको मिलेगा। एंगल कॉक का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन ऑफ करने के लिए ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी गीजर लगा नहीं है आपको गीजर का पानी को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक जो पॉइंट इधर दिया है सोलर का पानी के लिए ऑन ऑफ के लिए दिया हुआ है। मतलब देखिए आपको और एक मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जनरली एंगल कॉक का जो यूज होता है, देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ आप देख सकते हो, एंगल कॉक को वहां पर लगाया जाता है जहां पर आप पानी का फ्लो को बंद और चालू करना चाहते हो। तो जहां जहां पर भी आपको पानी का जो भी पोर्शन रहेगा वहां पर बंद चालू करना है तो आप वहां पर एंगल कॉक को यूज कर सकते हो। एंगल कॉक का जो प्राइसिंग रहेगा आपको 150 रुपीज से लेकर आपको 500 रुपए के बीच में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो और एक किचन एरिया में जो टैप्स यूज होता है फ्रेंड्स उसको सिंक कॉक बोला जाता है। यहाँ पर आपको मैं शेप्स दिखा रहा हूँ, जनरली जो शेप है आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा। इसमें आपको अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग साइजेस में, खासकर अलग अलग मैकेनिज्म में, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको मूवेबल में भी आपको मिलेगा। आपको कुछ जो है डिसेंबल भी होता है, आप उससे भी आप एडवांस टेक्नोलॉजी भी आए हुआ है, आपको एरिया को क्लीन करने के हिसाब से आपको मूवेबल में आपको मिलेगा। इसको किचन सिंक बोला जाता है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 800 रुपीज़ से लेकर आपको 2,000-3,000 डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मैकेनिज्म में, साइजेस में, मॉडल में आपको जो किचन सिंक के मार्केट में मिलेगा। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको सीपी फिटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको और कुछ भी कंफ्यूजन से, अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। बिल्कुल आपका जो भी कमेंट है उसका सोल्यूशन देने के लिए, आंसर देने के लिए बिल्कुल कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।